everyone, welcome back to my channel. So today I'm thrilled about for some yummy decorating. Oh yummy, just like a food. No, actually I just thrilled about some incredible eye-catching decorative pieces that instantly can elevate your appeals, that apples of your home. So whether you are looking as a pop-up color touch of along with some pop-up color or elegant look or vibrant warmth, so you can try with these some pieces or these some decorative items which I am collecting from Amazon. So today I am going to share with you guys, so don't go any blah blah blah, just let's drive right now and take a look. तो चलिए फर्स्ट बात करते हैं विप्रो गार्नेट 6 वॉट लेट टेबल लैम्प। ये जो लैम्प है 3 गेट डिमिंग एंड कलर चेंजिंग है। इसमें आपका 3 टाइप्स ऑफ कलर आपको दिखने को आएगा, जैसे कि कूल डे लाइट, न्यूट्रल वाइट, वार्म वाइट। तो नाउ आई एम शोइंग द डिफरेंट मोड ऑफ लाइट। ये है आपका कूल डे लाइट, फिर इसके बाद आपका मूड हो जाएगा न्यूट्रल वाइट, फिर इसके बाद आपका वार्म वाइट। सो अगर आप विप्रो के साइट से परचेज करते हो तो इसका प्राइस आएगा 1369, और आप अमेज़न के साइट से परचेज करते हो तो इसका प्राइस 1500 समथिंग आ जाएगा। तो अमेज़न में 5000 के ऊपर रेटिंग दिया हुआ है, तो आप लोग दोनों साइट पे जाके देख सकते हो। और इसमें और भी बहुत कुछ स्पेशलिटी है, जैसे कि टच स्विच है, फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है, आप 360 मोड कहीं पे भी इसको घुमा सकते हो। फिर इसका कलर चेंजिंग जो है 3 टाइप्स ऑफ कूल लाइट देता है रिंग लाइट की तरह, और इसका CRI जो है वो 80% से ज़्यादा है, और 3 गेटेड डिमिंग भी हम लोग कर सकते हैं। तो अगर इसका एप्लीकेशन जानना है या फिर इसका मतलब आपको और भी ज़्यादा जानना है, तो आई ऑलवेज रिकमेंड द एग्जैक्ट लोकेशन विच इज़ विप्रो साइट पे जाके। ये कोई पेड प्रमोशन वाला है नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं जो बजट फ्रेंडली है। आप एक बार क्वालिटी आप खर्चा करोगे तो इसका आपको मतलब जो काम है, जो यूटिलिटी है, बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। तो लाइटिंग सॉल्यूशन जो होता है, जैसे कि हम पहले भी बोले थे मेरा 1 BHK है ये वाला लाइट, दिस इज द बैकग्राउंड लाइट इट्स यूज्ड टू क्रिएट। अभी हम इसको ऐसे करके घुमा के रखे हैं और ये जो मेरे फेस के ऊपर आ रहा है, दिस इज द बैकग्राउंड लाइट, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। एंड आई एम गोइंग टू टेक दैट वीडियो इन द डे टाइम। देखिए डे टाइम वीडियो ले रहे हैं और मेरे फेस के ऊपर देखिए लाइट का कैसे इफेक्ट आ रहा है। सो अमेजिंग, ये एक प्रोडक्ट है जो आपका पूरा घर का एम्बियंसी पूरा बदल के रख देगा। तो अगर आप लोग इसको खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देंगे, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम भी चलता है और हम लोग जैसे कंटेंट क्रिएटर के लिए दिन रात कोई भी टाइम हो हम लोगों को वीडियो शूट करना पड़ता है। रिंग लाइट का जो इफेक्ट है वो स्मॉल तरीके से अगर आप लोगों को चाहिए और वो भी अच्छा सा क्वालिटी में, तो आप लोग जरूर ये वाला परचेस कर सकते हो। दिस इज विप्रो ये वाला एडजस्टेबल फ्लेक्सिबल लैम्प। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अभी हम लोग जाते हैं मेरे नेक्स्ट वाला आइटम पे। नाउ माय नेक्स्ट कलेक्शन, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। सो दिस इज माय नेक्स्ट कलेक्शन, दिस इज डीप सेरामिक कपूरदानी नाइट लैम्प इलेक्ट्रिक इंसेंस बर्नर। कैन परचेस एंड पुट इट जस्ट एंट्रेंस। इसके ऊपर आप ऑयल भी डाल सकते हो और कैम्फर भी दे सकते हो। इसमें स्विच दिया हुआ है, स्विच ऑन करने से ये जो रेड लाइट ऑन हो जाता है इसमें से ये हीटिंग होता है। तो फिर आप स्विच ऑफ करके ऐसे नाइट लैंप की तरह भी इसको आप यूज कर सकते हो। तो कैसा लगा मेरा ये वाला कलेक्शन जरूर बताइएगा। इसमें एरोमा भी है, अमेज़न में आप लोग अगर सर्च करोगे 474 रुपीस का आएगा। अभी का प्राइस हम बोल रहे हैं, एक्चुअली आई वॉन्ट टू शेयर एनी प्राइस बिकॉज ये सीजन वाइज ईयर वाइज चेंज होते ही रहता है। और इसका जो रेटिंग है 162 रेटिंग पे है,
तो मेरे पास ये दो है ऐसे. सो ये आप एरोमा डिफ्यूज़र की तरह यूज़ कर सकते हो या फिर आप कैम्फोर डिफ्यूज़र की तरह भी यूज़ कर सकते हो. जैसे कि इसमें कैम्फोर छोटा सा डाला हुआ है, हम हर एक इवनिंग में इसको जलाते हैं. और अगर हो सके, अगर आपको ऑयल, अगर हॉट ऑयल बनाना है तो वो भी आप लोग इसमें बना सकते हो. सो दिस इज़ वन ऑफ द अनदर मोस्ट एसेंशियल कलेक्शन फॉर माई होम. तो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा. आप लोगों के पास अगर है तो किस चीज़ के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हो तो उसका भी आप लोग वीडियो भेज सकते हो. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर डॉक्टर ट्रस्ट का एक एरोमा डिफ्यूज़र है. इसमें थोड़ा सा पानी गिर गया, हम पानी लेने गए थे तो इसके चक्कर में. तो सो नाउ हैव जस्ट, आप लोग देख सकते हो एरोमा डिफ्यूज़र बोल के यहाँ पे लिखा हुआ है, 903 दिया हुआ है. दिस इज़ फॉर माई बहुत ही मतलब हम बहुत इसको यूज़ कर चुके हैं. ये एक डिफ्यूज़र की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और ह्यूमिडिफायर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. इसके नीचे वाला पोर्शन में देखिए, दे हैव गिवन दिस. तो इससे आपका मतलब मशीन में कोई प्रेशर नहीं आएगा. और दीज आर ऑल सेटअप. तो इसमें बस आपका ये जो है कनेक्शन ऐसे कनेक्ट करके देना है. फिर कनेक्ट करने के बाद ये हम मतलब पूरा साफ किए मतलब इसमें थोड़ा सा ऑयल था. तो अभी इसके अंदर हम डालेंगे ये वाला पानी. देखिए ये वाला पानी गया इसके अंदर, थोड़ा सा पानी गिर गया मेरे मैट के ऊपर. नाउ ये है मेरा लैवेंडर ऑयल. तो इसमें ये छोटा वाला है. आप लोग लैवेंडर ऑयल, पूरा ऑयल का सेट मेरे पास है. अभी हम निकाले नहीं, बस आप लोगों को दिखाने के लिए. जस्ट आई यूज टू पुट द ड्रॉप ऑफ लैवेंडर ऑयल. तो इसमें हम डाल रहे हैं. होल नाइट भी आप इसको जला सकते हो. तो देखिए ये ऑयल इधर चला गया. सो हैव यू सीन गाइस, देयर हैव्स ऑयल, ऑयल का ड्रॉपलेट आप लोगों को दिखाई दे रहा है. तो आप लोग जैसे मतलब चाहते हो उस हिसाब से इसको कर सकते हो. तो ये हम डाल दिया ऑयल और इसके ऊपर आ जाएगा ये वाला नोजल. इसमें नोजल दिया हुआ है एक, और इधर से आपका वेपर जो है निकलता है. तो देखिए इधर है नोजल ये वाला. तो चलिए इसको लगा देते हैं इसके अंदर अच्छे से. ये पूरा टाइट होके लग जाएगा. सो लग गया ये वाला. अभी इसके ऊपर का जो है ये हम लगा देते हैं. इसके ऊपर से धुआं निकालने वाले हैं. ये है डॉक्टर ट्रस्ट का डिफ्यूज़र और आप लोगों को दिखा देते हैं. इधर दिया हुआ है पूरा मोड, इधर दिया हुआ है, आप लोग देख ही सकते हो. ये फर्स्ट थर्ड सिक्स्थ ऐसे करके मोड पूरा दिया हुआ है. इसमें से लाइटिंग भी होता है और इसमें आपका वर्किंग के लिए इसको स्विच ऑन करना पड़ता है. ये वाला बटन से ऑन ऑफ हो जाता है और ये वाला बटन से लाइटिंग आपका चेंज हो जाता है. 1 आवर 3 आवर 6 आवर इस हिसाब से आप इसको मतलब दे सकते हो. तो चलिए आप देखिए कैसे हम बनाते हैं. तो अभी देखिए हम इसका ऑन कर देंगे. ये ऑन हो चुका है और ये देखिए ऊपर से धुआं निकल रहा है पूरा. और इधर से ये वाला बटन दबा के हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं. आप लोगों को दिखा रहे हैं, रुकिए. अभी देखिए कलर पूरा चेंज हो चुका है. फिर दूसरा वाला कलर देखिए, ये देखिए ये दूसरा वाला पूरा कलर है. और इधर से आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये वाला आ रहा है. और इधर लिखा हुआ है डॉक्टर ट्रस्ट एंड अनदर कलर. दिस इज द पर्पल ब्लूइश कलर एंड अनदर कलर. ये आपका ऑफ हो गया. जब ऑफ हो रहा है, पावर बटन ऑन है, तब इधर आपको ग्रीन लाइट दिखाई देगा. ये फिर से आपका स्टार्ट हो चुका है. सो दीज आर अमेजिंग. ये तो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा. और पूरा जो एक एसेंस आता है, पूरा जो एक स्मेल आ रहा है इसमें से, पूरा हाउस पे एक अलग सा ही मतलब ये क्रिएट कर रहा है, एम्बियंस क्रिएट कर रहा है. तो कैसा लगा ये वाला ज़रूर बताइए. देखिए इधर से धुआं पूरा निकल के आ रहा है. तो ये वाला आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में दीजिएगा. अगर आप लोग ऐसे कुछ यूज़ करते हो तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो. तो चलिए अभी देखते हैं मेरे नेक्स्ट वाला जो एसेंशियल एंड एस्थेटिक एंड एक लग्जरियस फील देने वाला है, वो कौन सा चीज़ है.
सो अभी देखिए ये मेरा दिवाली का फुटेज है। पीछे जो लगा हुआ है ये दिवाली का स्टार हैंगिंग लाइट है। ये आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट और अमेजन का जो भी साइट है वहाँ पे मिलने वाला है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एम्बियंस एक होता है, एस्थेटिक होता है, रोमांटिक होता है, तो आप लोग जैसे भी बोलोगे ये पूरा एक एम्बियंस क्रिएट कर देता है दिस स्टार लाइट। तो आप इसमें दिया बोल के जो दिया होता है ना, जो दिवाली का दिया होता है वो भी अवेलेबल है, लेकिन वो पर्टिकुलर एक ही आप मतलब फेस्टिव में यूज़ कर सकते हो। दिया का सिग्निफिकेंस दिवाली में ही है, लेकिन अगर आप ये स्टार लाइट ले लेते हो तो ये आप कोई भी पर्पज़ के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो। जैसे हम बोले कि हम आज जो दिखा रहे हैं बजट फ्रेंडली होगा, क्वालिटी भी होगा और वो ईच एंड एवरी पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप दिवाली के लिए यूज़ कर सकते हो, बर्थडे पार्टी के लिए यूज़ कर सकते हो। तो कैसा लगा ज़रूर बताइए। नाउ माई नेक्स्ट कलेक्शन इज लॉर्ड गणेशा लेड लाइट। तो ये रहा लॉर्ड गणेशा लेड लाइट। नाउ लुक एट दिस, दिस इज माई एंट्रेंस एंड आई एम कीपिंग इन दिस वे ताकि मेरा 1 BHK फ्लैट है तो इसमें हम ज़्यादा पिक्चर या फिर ज़्यादा चीज़ हम डेकोरेट नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ चीज़ मुझे चाहिए था जिसमें से मतलब लाइटिंग भी हो, एक अच्छा सा गुड वाइब भी रहे और अच्छा सा एम्बियंस क्रिएट हो। तो ये मेरा कलेक्शन में सबसे फर्स्ट था एंड आज भी ये मेरा साथ दे रहा है। कि ऐसे होता है ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स कितने दिन आप लोगों के साथ जाएगा वो तो डिपेंड करता है यूसेज के ऊपर, लेकिन मान लीजिए कि ये हम होल नाइट भी जला के रखते हैं लेकिन बहुत ही अच्छा सा अभी तक तो गुड वाइफ है इसमें से, तो अमेजिंग। देखिए हम लाइट्स ऑफ कर दिए तो ये जो लाइट है ये मेरा पूरा डाइनिंग में मतलब एक अलग सा एकदम से एम्बियंस, बहुत ही अच्छा सा एक एम्बियंस नाइट को क्रिएट कर देता है। सो कैसा रहा मेरा ये वाला कलेक्शन ज़रूर आप लोग बताइएगा, और आप लोग अगर ऐसे कुछ चीज़ यूज़ करते हो तो मेरे से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मेरे नेक्स्ट वाला कलेक्शन पे। सो गाइज ये है मेरा क्राफ्टेड डेकोरेटिव बेल वॉल हैंगिंग। ये आप लोगों को अमेजन में मिल जाएगा, इट्सी में मिल जाएगा, इंडिया मार्ट में भी मिल जाएगा, मीशो जो साइट है उसमें भी मिलने वाला है, और अगर आपको चाहिए तो ई क्राफ्ट इंडिया बोल के भी और एक साइट होता है तो उसमें भी ये आप लोगों को मिलने वाला है। तो बहुत ही अच्छा सा एक गुड वाइब्स देता है, एक मतलब कल्चर जो होता है इंडिया का जो कल्चर का वो एसेंस देता है। सो गाइज दिस इज़ माई ब्यूटीफुल क्राफ्टेड वॉल हैंगिंग। तो ये भी एक अलग सा मतलब एम्बियंस देता है। आप इसको मतलब गुड वाइब्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो या फिर वॉल हैंगिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हो या फिर कुछ भी डेकोर करना पड़े तो भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम अमेजोन से 2 सेट्स खरीदे थे तो कैसा लगा ये वाला ये भी कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दीज आर ऑल माई एसेंशियल लग्जरियस होम रिनोवेटिव मीन्स आइटम विच यू कैन डेकोर योर होम। सो और अगर आपके घर में बच्चा है तो इधर देखिए ये वाला जो वॉल हैंगिंग है इस टाइप का भी वॉल हैंगिंग आप लोग लगा सकते हो। हियर आई नीड टू मेंशन आई एम स्टेइंग इन माय रेंटेड अपार्टमेंट सो आई मे नॉट मेक दैट नेल्स एंड नॉट मेकिंग दैट वॉल एनी काइंड ऑफ सर्टेन थिंग्स सो फॉर दैट रीजन आई हैव हैंगिंग ऑल दिस टाइप। सो ये वाला मिकी माउस का एक वॉल हैंगिंग है, इसमें बीच में इधर क्लॉक दिया हुआ है और ये मेरे बेटे का तस्वीर लगाया हुआ है, ऊपर मिकी माउस है और नीचे इसका शू मतलब हैंग होके रखा है। ये मेरा मतलब ईस्ट वॉल जो होता है वो है तो इसकी वजह से हम इसको रेड रिबन से इसको हैंग करके रखे हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा दीज ऑल आर आइटम ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा मेरे नेक्स्ट वाला व्लॉग के लिए। सो हाउ मच टुडे आई एम शोन यू गाइज दीज ऑल आर आई कैचिंग डेकोरेटिव पीस जो आप लोगों का घर में भी एक अलग सा एम्बियंस क्रिएट कर सकता है और वो भी बहुत ही कम बजट में, और जो बजट लगेगा
तो वो आपका क्वालिटी देगा, तो वो आप ईयर बाय ईयर डिफरेंट वे में भी यूज कर सकते हो. सो वेन यू आर इन टू बोल्ड कलर, स्लीक डिजाइन, अगर आप लोगों को भी कहीं से मिल जाता है या तो फिर कोई भी क्लोजी टेक्सचर आप लोगों को मिल जाता है तो जरूर मुझे कॉमेंट कीजिएगा. और मेरे से बेहतर अगर आप लोगों के पास कोई भी जानकारी है तो जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा. तो लेट मी नो ऑल द सर्टेन थिंग्स इन माई कमेंट, विच पीस वॉज योर फेवरेट फॉर टूडेज ऑल द आइटम. इफ यू हैव एनी अदर डेकोरेटिव जेम्स यू हैड लाइक टू शेयर. Thank you so much for watching and I will see you with my next. So, safe rahiye, haste rahiye, healthy rahiye. Tab tak ke liye, mere next video ke liye. Bye, see you, stay safe and love you all.